इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अगर कोई ये वतन का एक रिवाज है, कोई कारवां है कि जब भी कोई तकलीफ में हो कुछ शख्सियतें बहुत सारे लोग सामने आ जाते हैं एक दूसरे की मदद करने, और ये एक उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। गरीबों की फिक्र है, मुफलिसों की फिक्र है, आज मरीजों राजू सेठ साहब की फिक्र है, उनकी सारी अंजुमन की टीम जमात का नाम है, डॉक्टरों की टीम हर एरिया में जाकर उसके सदर उसके लोगों की फिक्र उसके रूह रवा है, और आली जनाब उनको तरीके बताने का कैसे हिफाजत से रहे ये काम चलाया है। विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन नूरुद्दीन सेठ साहब, ये बहुत ही कमेंडेबल, बहुत ही टीम कमेंडेबल काम। जनाब समीउल्लाह माड़ी वाले साहब हैं, मैं जनाब गफूर घी वाले साहब, हर अशफाक गौरी हैं, भारतीय से यही कहूंगा कि और इस टीम को ये मुश्किल की घड़ी में उनके पाक इरादों अपने जज्बात अपने गुस्से हम शुक्रगुजार हैं, अपने पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स को बाजू रख करके मुसीबत की घड़ी में एक दूसरे के साथ में खड़े रहे। डिस्पेंसरियां एक तो ये बीमारी है लोगों ने और दूसरों के दूसरा जो है को रिजाइन कर दिया, वो दुश्मनों की बुरी नजर बॉर्डर्स पे जो है ये सब से बचने के लिए हम ताकतवर और ताकतवर तब हो सकते हैं जब हम मिलकर रहते हैं, खिदमत करते हैं। यकीनन आपके एहसान आज कभी भी हमारी कौम भूल नहीं सकती। ये वक्त में जो अच्छे हैं वो दिख के आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, बहुत सारे हैं। मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आप खड़े हैं और खड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। सर साहब ने अपने दर्द भरे अंदाज में आंखों में आंसू लेकर जिस खिदमत का आपके सामने जिक्र किया है, माशाल्लाह कर्नाटक के कई हिस्से में भी ऐसी खिदमत शहर बेलगाम ने अंजुमन ने और राजू सर साहब ने उनकी टीम ने जो कर दिखाई है, कर्नाटक के किसी हिस्से में भी ये चीज़ नहीं मिलती है। दौलत तो माशाल्लाह बहुत आती है और जाती है, दौलत माशाल्लाह बहुत लोगों को दी है, लेकिन दिल भी देना और अपने जेब में हाथ में डालना ये बहुत बड़ी कमाल की चीज़ है। इंसान का वक्त मुकर्रर है, बड़े बड़े मिनिस्टर साहब भी चले गए, गरीब भी चला गया, अमीर भी चला गया, लेकिन जो है वो अपने आखिरत की फिक्र करें। अपने सेठ साहब ने अपने दर्द भरे अंदाज में आप लोगों को अपना पन समझ कर जो बातें कही है वो आप उस पर अमल करें। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे डॉक्टर्स का जो यहाँ पे आके खिदमत कर रहे हैं, और यहाँ के जो नौजवानों का जो सुबह से खिदमत में लगे हुए हैं। हम हमारा टीम अंजुमन इस्लाम की हर मोहल्ले में इसी वजह से पहुंच रहे हैं कि लोगों की तकलीफ दूर हो, जो भी थोड़ी परेशानी है, जो डॉक्टर्स के पास जाने के लिए घबराते हैं, मामूली बुखार हो या सर्दी हो, तब वो जगह पे जाके पहुंचा के आपको चेकअप करा रहे हैं, और खुदा न खास्ता कुछ ज़्यादा भी अगर हुआ तो आपके घर तक दवाइयाँ पहुँचे जाएंगी, इसकी आप फिक्र मत कीजिए। या कोरोना की बीमारी भी अगर जल्दी से आप इलाज करना चालू कर दिए तो कोई इसमें परेशानी नहीं है। हमारी पूरी टीम चाहे मेडिकल में हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर्स में हो, चाहे कब्रस्तान में हो, चाहे स्मशान में हो, चाहे क्रिश्चियन के ग्रेवयार्ड में हो, सब तरफ काम करने लगी है। हमने कभी ये नहीं देखा कि ये किस मज़हब का है, किस कौम का है, कौन सी भाषा का है, लेकिन हम सब आपके लिए हैं, आप हमारे हैं, और हम हमेशा चाहे मैं हो या फिरोज भाई हो या हमारी पूरी टीम है आपके साथ रहेंगे। और यहाँ पे जो कर रहे हैं काम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा। जनाबे राजू सेठ साहब, अभी आपके बिरादर अकबर जनाब फिरोज सेठ साहब ने कहा, यकीनन हमारे लिए खुश नसीबी है, हमने इनमें बहुत से लोग हैं जिन्होंने जनाबे मोहतरम मरहूम नूरुद्दीन सेठ साहब की खिदमतों को
देखा है, सुना है ना, हम उन लोगों में से हैं जिन्होंने उनकी खिदमतों के बारे में सुना है। जब भी कोई फसाद हो, कोई बीमारी आए, कोई मुसीबत ज्यादा हो, कोई तकलीफ में मुब्तला हो, बगैर किसी वक्त के कैद के, बगैर किसी कंडीशन और शर्त के, बगैर तफरीके मजहब और मिल्लत के, अगर एक फर्द है जो सारी आबादियों में मसीहा बनकर फिरती थी, उसी मसीहा को लोग मसीहा के तौर पर आज भी याद करते हैं, और उसका नाम है नूरुद्दीन सेठ, है ना। आज यकीनन अरबी में हमारा मकूला है, अलवरदो सिर्रुल यबी, बेटा अपने बाप का परतो होता है। अभी सेठ साहब ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, अपने बाप का मुकम्मल अक्से जमील, हमारे दरमियान हमारा सदर, हमारा कायद और हरदील अजीज लीडर जनाब आसिफ नूरुद्दीन सेठ साहब हमारे दरमियान है, और इसकी हिफाजत कितने की और उसकी हिफाजत की तदाबीर है, इंशाल्लाह डॉक्टर्स हजरात आप हजरात की खिदमत में तफसीली गुफ्तगू करेंगे, इस वक्त मौका नहीं है, वरना और भी बहुत सारी चीज़ें उसूल और जवाबित जो साइंसदानों ने और मुहद्दिसीन ने उलमा ने लिखी हैं वो आप हजरात की खिदमत पेश किया जा सकता था, लेकिन इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर आप हजरात की खिदमत में रखने की कोशिश करेंगे। अल्लाह मुझे भी और आपको भी समझने की तौफीक अता फरमाए। दवाई इस्तेमाल ज़रूर करनी है, यह असबाब है, असबाब के दर्जे की चीज़ है, इससे लापरवाही नहीं बरतनी है, लेकिन जितना हमारी तवज्जो मेडिकल की दवाइयों की तरफ हो उससे कई गुना ज़्यादा अपने खाने पीने पर हो, रोज़ाना की वर्जिश पर हो, वक्त बे वक्त सोना ना हो, इंशाल्लाह हमारी सेहत बेहतर बनेगी, हम चलते फिरते और फलते फूलते इंशाल्लाह रहेंगे। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अपनी सेहत की हिफाज़त करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अंग्रेजी में बहुत बड़ी कहावत है, ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ प्रिंस, एंड डिनर लाइक अ पॉपर। आप नाश्ता एक बादशाह की तरह कीजिए, दोपहर का खाना एक शहजादे की तरह, और रात में किसी के घर में कुछ नहीं हो तो वैसे खाइए। यही हमारी सेहत संभालने का तरीका है। कोरोना के अजमेर इस्लाम ने काफ़ी मेडिकल कैंप की, ऑक्सीजन सिलेंडर का हमने इंतज़ार किया, हमारे साथ ही साथ मदीना फाउंडेशन हो लेकर आए हैं, अदर भाई ने भी काफ़ी हॉस्पिटल्स में और मेहनत की है, और शिफा है, रहबर है, साथ ही साथ जिस रोज़ से हमने ऑक्सीजन का स्टार्ट किया उस रोज़ पहले रोज से ही CIC फाउंडेशन ने हमारे साथ दिया और हमारे साथ काम करते आए हुए हैं। ये सभी फाउंडेशन और सभी इदारे मिल के जो काम किया है उसमें एक ही नतीजा दिख रहा है कि हमारे इसमें बीमारी थोड़ी कम हुई है। किसी भी टाइम की ज़रूरत पड़े तो किसी को हमारे को एक भी याद कर लेंगे, हम आपकी खिदमत के लिए तैयार रहेंगे, और हम ये काम इसलिए कर रहे हैं कि एक खिदमत का हमें मौका दिया गया है ऊपर वाले से कि ये तुम्हारे को हम खिदमत करेंगे, वक्त देते हैं, आप इनकी खिदमत कीजिए। हमारा सबका मकसद यही है, वहाँ इकराम का हो, डॉक्टर का हो, हमारा हो, कि हम आपकी खिदमत करें, और इसका जो भी हमारे को है ऊपर वाला रहेगा, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, ज़्यादा आपको वक्त नहीं लेता मैं, डॉक्टर्स अपने काम पे हैं, और सबसे बड़ी आज कुर्बानी हमारे डॉक्टर्स दे रहे हैं, वो जानते हैं कि बीमारी हमें भी लग सकती है, हम भी घर पे हैं, हम भी बीवी बच्चे वाले हैं, लेकिन फिर भी आके दिन रात हमारी खिदमत में लगे हुए हैं, इतने इससे ज़्यादा हम कोई भी खिदमत नहीं किया है यहाँ पे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो सभी डॉक्टर्स के यहाँ पे, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारा मकसद एक ही है कि लोग सेहतमंद रहे और हमारे शहर से ये बीमारी दूर हो जाए। हम इसमें कोई धर्म, कोई जात, कोई भाषिक ये नहीं देखते। अंजुमन इस्लाम और हमारी पूरा टीम का यही मकसद है कि
जो बीमार है उसका इलाज किया जाए, और कैंप्स रखने का मकसद यही है कि जो लोग घबराते हैं डॉक्टर्स पास जाने के लिए, सर्दी हो या बुखार हो, हमको डॉक्टर्स के पास जाने के लिए एक रास्ता दिखा रहे हैं। आज हम तबेड़कर गली में यहाँ पे होसुर में कैंप रखा है हमारे अमीन भाई और यहाँ की जमात ने, और यहाँ तक खुशी का सवाल है, अगर कोई कोरोना का पेशेंट सेहतमंद हो के ठीक हो के बाहर आता है और उसके घर वालों के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है, चाहे उसके बच्चे हो या उसकी बीवी हो या उसकी माँ हो या बाप हो, ये मुस्कुराहट ही हमें हिम्मत देती है कि हम और आगे बढ़े और आगे काम करें। प्राइवेट हॉस्पिटल्स कुछ बंद थे, कुछ चल रहे थे, कुछ डॉक्टर्स उम्र वाले हैं तो उनको डायरेक्शंस भी थे, जिसकी उम्र ज़्यादा है या जिसके डायबिटिक है या जो हार्ट पेशेंट्स है कि वो थोड़ा पेशेंट से दूर रहे, लेकिन देखते देखते धीरे धीरे आज हर हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ है, हर हॉस्पिटल काम कर रहा है। हमारा मकसद यही है कि हम अच्छा करते जाए और हमारी अच्छाई देख के सामने वाले भी अपना अच्छा काम करें। जी माशाल्लाह, आज तो हसूटा मेडिकल गली में ये जो मेडिकल कैंप हुआ, इससे लोगों को हसूर के लोगों को, हसूर के नहीं बल्कि पूरे शाहपुर के लोग इस मेडिकल कैंप में आए थे, और इससे बहुत अच्छा फ़ायदा भी हुआ माशाल्लाह। और ऐसे हम चाहते हैं कि ऐसे कैंप शाहपुर और हसूर के हर गली में ऐसे ऐसे कैंप हो। नमस्कार सगळ्यांना, आज इकडे अंजुमेने इस्लाम या संस्थेद्वारे कॅम्प ठेवला गेला आणि मला लाईफ केअर लॅब यांच्याकडून इन्व्हिटेशन पण आलं की आपण कॅम्प करूया। खरोखरच चांगली गोष्ट आहे हे कॅम्पमधून, कारण की सध्या टाईम बरोबर नाही आहे, वेळ बरोबर नाही आहे, सगळ्यांना कन्फ्युजन आहेत, सगळे घाबरलेले आहेत, त्याच्यामुळं ह्या कॅम्पद्वारे आम्हाला लोकांपर्यंत पोचता येतं, लोकांना समजून सांगता येतं, त्यांना त्यांच्या अडचणी जाणून घेता येतात आणि त्यांना चेक करून, मुख्य जसं सर म्हणाले मगाशी, लोकांमधली भीती जायला पाहिजे, तर लोकांमधली भीती जाण्यासाठी आम्ही हे सगळं करतो आहे। घाबरू नका, कोरोना व्हायरस तसा तितका डेंजर नाही आहे जितका दाखवला जातो आहे, त्याच्यामुळे आपण त्याला जर कॉन्फिडेंटली फेस केलं तर कदाचित आपण नक्की याच्यावर विजय मिळू शकतो, काही प्रॉब्लेम नाही। आपण फक्त घाबरून आपल्या तब्येतीला काहीतरी होतं की काय असं काही करून काही चालणार नाही आहे। लॅब्स आहेत, ते सुद्धा या इतक्या अवघड वेळेमध्ये सगळ्या पेशंट्सला चेक करतात, त्यांचं ब्लड कलेक्शन घेतात, व्हिजिट करतात घरी जाऊन, सो त्यांचंही खूप मनापासून धन्यवाद म्हणायला पाहिजेत की, आणि आम्ही सगळे क्लिनिक्स ओपन करतो आहे, पेशंट्सला हँडल करतो आहे, सो ही लढाई आहे आणि आपण नक्कीच जिंकू ही लढाई, जेणेकरून आपल्या कोरोना आज आहे उद्या नाही आहे पण माणुसकी ही सदैव राहणार आहे। सो आपण ह्या अवघड वेळेमध्ये, ह्या वाईट वेळेमध्ये पण आपण माणसाशी माणुसकीने वागतो आहे, ही सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे। सो असंच सत्कर्म करत राहूया आपण। अंजुमेने इस्लामसारख्या संस्थेकडून आम्हाला एक चान्स मिळाला, अजूनही पुढे भविष्यात भरपूर चान्स मिळो, लाईफ केअर लॅबमधून पण आम्हाला भरपूर कोऑपरेशन मिळालं, त्यांच्यामुळे तर आज इथपर्यंत मी आलो आहे, आणि आपण सगळं असंच चांगलं कार्य करत राहू। जो मेडिकल कॅम्प केते यहाँ पे हमने लोगों का शुगर और बीपी वगैरह चेक किया है, तो हमारे जो डॉक्टर साहब हैं सुधीर वेके साहब, इनका भी मैं बहुत आभारी हूँ कि ये यहाँ पे आए और हम सब लोगों के साथ में हमारे यहाँ के जो लोग थे उनके उनको चेकअप वगैरह करके उनको मेडिसिन वगैरह दिए। और मेरा लोगों से गुजारिश ये है कि इस कोरोना से डरे नहीं बल्कि इसके साथ लड़े, इसके साथ चलना सीखें। बस इतना है कि जो हम जवान, जो यंगस्टर्स लोग हैं, जो हम बाहर घूम रहे हैं, हम अब जब अपने घर जाते हैं तो फिर वहाँ पे हमारा एक प्रिकॉशंस रहते हैं, बोल तो जैसे कि हम घर से जब घर में जाएं बाहर से, तो घर पे जाने के साथ में डायरेक्ट बड़ों से कांटेक्ट ना करें, पहले जाएं अपने हाथों को अगर सैनिटाइज़ कर लें, फिर जो अपने कपड़े पहने वो निकालें, फिर फ्रेश हो के फिर अपने घर वालों के साथ मिलें। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस खिदमत के लिए कबूल किया, और हमारे मोहल्ले के पूरे नौजवानों जो इस कैंप को
मुनकैद किया, जब से कैंप करने का हमने सोचा तब से सब साथी हमारे सबको सब शोहेब है, फहीम भाई है, सादिक भाई हैं, शाहरुख हैं, मुजफ्फर हैं, मैं सबका नाम लूँगा तो बहुत वक्त होगा, पूरे मोहल्ले के हमारे पूरे नौजवान बुज़ुर्ग हजरात, जमात के जिम्मेदारान, हमारे तमाम लोगों ने मस्तूरात ने तक इस कैंप को पूरा कामयाब होने के लिए हर लाइन से फिक्र की, तब जाकर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहल्ले में आज ये कैंप हुआ है। मैं सबसे पहले सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आसिफ राजू सेठ साहब का, जिन्होंने हर बेलगाम के मोहल्ले के अंदर कैंप कर कर वहाँ की लोगों की तबीयत का, वहाँ की लोगों की सेहत की फ़िक्र की, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहल्ले को भी उन्होंने याद रखा, हमारे मोहल्ले के अंदर भी कैंप किया ताकि हमारे मोहल्ले के अंदर कोई बीमार है तो सेहत याब हो जावे, उसको इलाज मिल जावे। बहुत से पेशेंटों को इलाज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दे रहे थे हम, लेकिन आज पूरे मोहल्ला हमारा आसिफ राजू सेठ साहब का और अंजुमन का और पूरे अंजुमन की टीम का शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारे मोहल्ले के अंदर कैंप मुनकैद किया। और मैं हमारे तमाम नौजवानों की तरफ से पूरे अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम की टीम का और जो इस कैंप को पूरा करने के अंदर जिन्होंने जान लगाया, माल लगाया, वक्त लगाया, उन तमाम का शुक्र अदा करता हूँ। और मैं बेलगाम वालों से यही अपील करता हूं कि अपनी छोटी सी अगर कोई तबीयत होती है, कोई ना सर्दी खांसी बुखार होती है तो सबसे पहले जहां कैंप ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं वहां जाएं, अपना इलाज करें, अपने लोकल डॉक्टरों को दिखाकर इलाज करें। जब भी जहां भी जिस वक्त भी किसी भी चीज़ क्या अगर आपको तकलीफ़ होती है, इलाज के एतबार से, मालूमात के एतबार से, ऑक्सीजन सिलेंडर के एतबार से, रहबरी के एतबार से, अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम की पूरी टीम आपकी खिदमत के लिए तैयार है। हम आपकी खिदमत करने के लिए 2400 घंटे तैयार हैं। जब भी हमारी ज़रूरत पड़ी हमारी पूरी टीम से किसी से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कोई तकलीफ़ होगी तो उसे हल कर सकते हैं।